Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Tech Leo Academy। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में कैलेंडर के बारे में कुछ जानकारी दी थी, जिसमें हमने बताया था कि ईयर के बदलने से डे में जो भी परिवर्तन आता है वो क्या होता है, डे कौन सा दिन होता है अगर ईयर बदलता है। और हमने ये भी बताया था कि अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन दिया था कि सॉल्व करने के लिए, कि अगर जो डे है ईयर बदलता है तो डे में क्या डिफरेंस आता है, ये कैसे करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग वही डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो में हमने दिया था कि 26 जनवरी 2020 को संडे था। क्या था? संडे था। तो 15 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले हम ईयर सॉल्व कर लेते हैं। क्या ईयर सॉल्व करेंगे कितना है? जैसे इसमें कहा है कि 26 जनवरी 2020 तो क्या था? संडे। और फिर हम चेक कर लेते हैं कि 26 जनवरी 2023 को क्या हो, ये पहले चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, डेज और मंथ तो सेम है, तो ईयर में क्या बदलेगा? ईयर में कितने ईयर का गैप है? 3 ईयर का गैप है। कितने ईयर का? 3 ईयर का गैप है। और इसमें कितने लीप ईयर है? 1 लीप ईयर है। 2020 क्या है? 1 लीप ईयर है। तो 1 लीप ईयर हो गया और 2 सिंपल ईयर हो गया। लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 2। और सिंपल ईयर में 2 कितना एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 1 ईयर में 1 होते हैं, तो ये 2 सिंपल है, तो इसमें कितना लेंगे? 2 एक्स्ट्रा डेज। टोटल कितने एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे? 4 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे, मतलब 4 ऑड डेज हो जाएंगे। तो संडे में अगर हम 4 ऑड ऐड कर दें तो हमें ये दिन पता चल जाएगा। तो संडे में 4 ऐड किया तो क्या आएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और उसके बाद थर्सडे। ये कौन सा दिन बन हो जाएगा? थर्सडे। हमें 26 जनवरी 2023 का पता चल गया, तो हम 15 अगस्त 2023 का मतलब साल के अंदर आ गए। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं कि जनवरी में कितने दिन बचेंगे। अब जनवरी में बचेंगे सिर्फ हमारे पास 5 दिन। फरवरी में 2023 है तो 28 दिन बचेंगे, मार्च में 31, अप्रैल में इसी प्रकार 31, मई में 31, जून में 30, जुलाई में कितना हो जाएगा? 31, जुलाई में 31, अगस्त में कौन से दिन तक निकालना है हमें? 15 अगस्त तक। कुल दिन कितने बचेंगे? 15। तो इन सबको ऐड करने से कितना होगा, कितना आएगा? जब सबको ऐड करेंगे तो 201 डेज आएंगे। तो मतलब कि 27 जनवरी से लेकर के 15 अगस्त तक कितने दिन होंगे? 201। तो हम इसमें से एक्स्ट्रा डेज निकालते कितना? 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 1 7 7 2 14, ये हुआ 6 1 7 8 8 56, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 8 5। रिमाइंडर कितना आएगा? 5। तो कितने एक्स्ट्रा डेज हो गए? 5 एक्स्ट्रा डेज होंगे। अब तो प्लस थर्सडे में 5 को एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? थर्सडे में 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? थर्सडे में 5 को ऐड करेंगे तो ट्यूसडे आएगा। क्या आएगा? ट्यूसडे। मतलब कि 15 अगस्त 2023 को कौन सा डे होगा? यूएसडीआई ट्यूसडे। कौन सा दिन होगा? ट्यूसडे। ये वाला ट्रिक हम आगे इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो चलिए देखते हैं। हम आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि अगर कोई भी मंथ चेंज होगा, जैसे जनवरी से अगर हम दिसंबर में जा रहे हैं, फरवरी से मार्च में जा रहे हैं, या फिर अगस्त से जिस भी महीने में जिस महीने से जा रहे हैं, अगर वो बदलता है तो कितना कितना कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले देखते हैं एक साल में मतलब 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर।
कितने हुए 1 ईयर। कौन कौन से मंथ्स होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने हो गए? 12 महीने हो गए। जनवरी में 31 दिन होते हैं, इसमें 28 या लीप ईयर वाले दिन में 29 होते हैं, इसमें 31 होते हैं, इसमें 30 होते हैं, इसमें 31 होते हैं, इसमें 30 होते हैं, इसमें 31, इसमें भी 31, इसमें 30, इसमें 31, इसमें 30 और इसमें 31। तो इसमें एक्स्ट्रा डेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम? कोई भी एक्स्ट्रा डेज निकालने के लिए, जैसे कोई भी डे दिया हो तो उसमें 7 से डिवाइड कर देंगे, तो और जो रिमाइंडर आएगा वो मेरा एक्स्ट्रा डेज होगा। तो इसमें 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 3, इसमें करेंगे तो इसमें आएगा 0 और इसमें आएगा 1, और इसमें करेंगे तो इसमें 3, इसमें करेंगे तो इसमें 2, और इसमें करेंगे तो इसमें 3, इसमें 2, इसमें करेंगे 3, इसमें करेंगे 3, इसमें करेंगे 2, इसमें करेंगे 3, और इसमें करेंगे 2, और इसमें करेंगे तो 3। ये हमारा एक्स्ट्रा डेज हो गया। अगर हमें कोई भी डे पता करना है तो जैसे मंडे दिया है तो उसमें एक्स्ट्रा डेज को ऐड कर देंगे तो अगला डे पता चल जाएगा। तो जनवरी के मंडे से फरवरी के कौन सा डे पड़ेगा उस दिन वो पता चल जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमें दिया है कि अप्रैल, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को संडे है, तो 3 जून को या फिर 1 ही जून को, समझने में आसानी होगी, 1 जून को कौन सा दिन है? तो अप्रैल का एक्स्ट्रा डे अप्रैल, मई और जून। तो जून में ही पूछा है तो इसमें कोई एक्स्ट्रा डेज नहीं देखेंगे। इसमें मई में पूछा है तो मई का एक्स्ट्रा डेज कितना हुआ? 3। अप्रैल में, अप्रैल का एक्स्ट्रा डेज कितना हुआ? 2। तो टोटल एक्स्ट्रा डेज कितना हो जाएगा? 5 डे हो जाएगा। मतलब 5 ऐड, अगर इसमें हम 5 एक्स्ट्रा डेज को ऐड कर देंगे, 5 डे को ऐड करेंगे, तो संडे में 5 डे को ऐड करेंगे क्या आएगा? संडे में 5 डेज को ऐड करेंगे तो फ्राइडे आएगा। क्या आएगा? फ्राइडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, 1 2 3 4 5 फ्राइडे। तो इस प्रकार अगर 1 जून को निकाले हैं तो कौन सा दिन हो जाएगा? फ्राइडे। कौन सा दिन होगा? फ्राइडे। एक ये तरीका हो गया। एक दूसरा एक और इससे सिंपल ट्रिक कौन सा है? अगर जैसे हमें पूछा है, एग्जाम्पल से लेके समझाते हैं, एक सिंपल सा ट्रिक, सिंपल ट्रिक जिसे हम कोई भी महीने का कभी भी पैसे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमें पूछा है, एग्जाम्पल पूछ दिया कभी कि 15 जनवरी, 15 जनवरी को कौन सा दिन है? ट्यूसडे। 15 जनवरी को ट्यूसडे है तो 15 मई में कौन सा दिन होगा ये पूछ दिया। तो हम कैसे उससे भी पता कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका है। तो ये देखते हैं कि जनवरी में कितने दिन बचेंगे, दिन काउंट करते हैं। तो जनवरी में कितने बन जाएंगे? 15 डेज बचेंगे। फरवरी में जिसमें डे नहीं, तो मान लेते हैं 2021 की बात कर रहे हैं, लीप ईयर पता होना चाहिए, तो लीप ईयर नहीं है तो यहाँ 28 डेज होगा। जनवरी फरवरी मार्च में 31 डे हो जाएगा। अप्रैल में कितना हो जाएगा? 30। और मई का ही पूछा ये, तो मई का कौन सा डे पूछा है? 15। तो इन सबको ऐड करेंगे तो 5 8 13, 14 14 5 19 का 9 1 कैरी, 2 2 4 4 3 7, 7 4 3 7 3 10 11, तो 119। तो अगर हम इसको 119 डेज हो गया, पूरा टोटल 119 डेज हो गया, तो 7 से करेंगे तो 7 बन जाए 7, कितना हुआ? 4।
और नीचे आया 9, तो 4 7 17 7 49, कितना कटते हैं, क्या हो गया, नो रिमाइंडर, मतलब जीरो रिमाइंडर, जीरो रिमाइंडर आया, तो जीरो रिमाइंडर आया तो कितना, जीरो एक्स्ट्रा डेज हुआ, जीरो एक्स्ट्रा डेज हुआ, क्या होगा, जीरो एक्स्ट्रा डेज, तो जीरो एक्स्ट्रा डेज होगा तो ट्यूजडे में जीरो प्लस करेंगे तो कोई एक्स्ट्रा डे नहीं, तो 15 भी 2000, मतलब 2021 भी क्या हो जाएगा, ट्यूजडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्यूजडे, चलिए एक और एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि जैसे हमें दिया है, कोई भी एग्जांपल दिया है, कोई भी एग्जांपल दिया है, क्या दिया है कि ये एग्जांपल देखते हैं, 23 मार्च, या फिर हाँ 23 मार्च को एग्जांपल देखते हैं, 23 मार्च 2020, 2020 तो क्या है, मंडे, मंडे है, तो 23 जुलाई 2020 को कौन सा दिन पड़ेगा, ये देखो। तो एक पहला तरीका क्या था कि देखते हैं कि मार्च कौन सा दिन होता है, मार्च कौन सा महीना होता है, तीसरा महीना होता है, और जुलाई कौन सा महीना होता है, सातवां महीना होता है, ये मार्च वाला महीना हो गया, ये जुलाई वाला, तो इन दोनों के बीच में कितने महीने होंगे, 7 और 3 कितने हो गए, 4 मंथ, कितने हो गए, 4 मंथ हो गए, तो इसमें 4 मंथ है, तो इसमें कितने, 4 मंथ में कितने हैं, 2 मंथ, 31st डे वाला हो गया, और 2 मंथ ये 30 डे वाला हो गया, एक ये तरीका है, तो इसमें कितने स्टडीज होते हैं, 3 स्टडीज होते हैं, तो 2 मंथ है तो 6 स्टडीज हो जाएंगे, और इसमें 2 स्टडीज होते हैं तो 6 मंथ है, 4 हो जाएंगे, टोटल स्टडीज कितने हो जाएंगे, 10 10 स्टडीज है, तो इसको और सिंपल से बनाने के लिए तो 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 7 3, मतलब रिमाइंडर कितना आया, 3, तो 3 और डे बचे, 8 डे या एक्स्ट्रा डे कितने बचे, 3 और डे एक्स्ट्रा डे बचा, तो हम क्या करेंगे, मंडे में 3 को ऐड करेंगे, मंडे को 3 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, कौन सा डे होगा, आएगा थर्सडे, कौन सा डे आएगा, थर्सडे, मतलब 23 जुलाई 2020 को एक थर्सडे आएगा, और दूसरा क्या तरीका था कि हम, दूसरा मेथड ये है, देखते हैं पहले जनवरी, सॉरी कहाँ से देखना है, दूसरा एक तरीका था क्या था, मार्च से पूछा है तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो मार्च में कितने दिन बचेंगे, मार्च में 21 होता है तो 21 30 7 1 8 दिन, 8 दिन, अप्रैल में बचेंगे पूरे 30 दिन, इसमें बचेंगे 31, इसमें 30, और जुलाई को कौन सा दिन, 23वां दिन पूछा है, 23, तो 3 4 8 12 2 3 3 6 3 9 3 3 12, इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7, तो 7 1 7 5 7 7 49, तो कितना आएगा, 3, यहाँ भी एक्स्ट्रा डेज कितने आए, 3 एक्स्ट्रा डे, तो यहाँ पे 3 को जो ऐड किया है उसे ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, थर्सडे आ जाएगा, एक इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट रूल या फैक्ट समझे, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट या रूल है कि किसी भी लीप ईयर
जनवरी का पहला महीना और एंड दिसंबर का लास्ट मंथ, लास्ट मंथ ये वन डे आगे हो गया। मतलब जैसे जन मंडे है तो ट्यूसडे होगा, वन डे आगे होते हैं, मंडे है ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे है वेडनेसडे होगा। अगर एक सिंपल ईयर की बात करें तो जनवरी का फर्स्ट डे एंड दिसंबर का लास्ट डेट दोनों क्या होता है? सेम, क्या होता है? सेम होता है। तो चलिए हम आगे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल हम इस पूरे लेक्चर का, कल क्लॉक एंड कैलेंडर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।